गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार जेनकिंस में आगे के काम कैसे करते हैं। बुनियादी बातें करेंगे, धीरे धीरे बातें करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो आप एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेकर मैं अब आ रहा हूँ। ये बात भी सही है कि लेक्चर थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी डेवऑप्स को हम फाइनली फिनिश कर दें। आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, आज के लेक्चर में हम तीन चीजों पे बात करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि जेनकिंस पे जो हमारी बाकी सारी डिपेंडेंसीज हैं, बाकी सारे प्लगइन्स हैं, उन्हें किस तरीके से हम कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, कैसे हम जेनकिंस के थ्रू काम करा सकते हैं अगर कोई काम हमें कराना है। फिर हम देखेंगे कि शेड्यूल टास्क जो हम पहले भी देख चुके हैं, क्रॉन नाम की चीज हम पहले भी देख चुके हैं, वो शेड्यूल टास्क अगर हमें जेनकिंस के थ्रू कराने हैं तो हम कैसे कराएंगे। और फिर हम पोलिंग देखेंगे कि पोलिंग कैसे होती है, पोल SCM, यानी कि ये मैं तभी बताऊंगा जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ टूल्स जो हैं अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल किए थे, कॉन्फ़िगर किए थे, जिनमें से अगर आपको याद हो तो हमने हमारे लैपटॉप के अंदर, सपोज अगर ये हमारा लैपटॉप है तो हमने इसमें गिट को इंस्टॉल किया था, फिर हमने इसके अंदर किसको इंस्टॉल किया था, जावा की फाइल JDK हमने इंस्टॉल किया था, और उसके बाद हमने मैवन को भी हमने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, है ना, और हमने जेनकिंस जो है वो भी हमने इंस्टॉल किया था। ये चार चीजें हमने अपने लैपटॉप के ऊपर जो है इंस्टॉल कर ली थी, बिल्कुल सही तरीके से कन्फिगर कर ली थी। कुछ मसला भी कुछ लोगों के साथ आया, बट उन्होंने बाद में शायद वो रिजॉल्व कर लिया। इवन मजे की बात मैं बताऊं कि मैं ये लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी लैब में कर चुका हूं और मेरे खुद के एरर आ रहे थे, ठीक है। तो वो एरर इसलिए आए, और वो रिकॉर्डिंग में भी हैं, वो एरर हैं, मैंने उन्हें हटाया नहीं है। वो मसला ये है कि मेरा लैपटॉप भी नया है, उसमें मैंने कुछ फाइलिंग से होम, मैं विंडो होम चला रहा हूँ, तो विंडो होम के साथ थोड़ा सा इशू है, तो उसमें कुछ जो प्लगइन्स हैं वो प्रॉपरली शायद काम नहीं कर पाए, तो मैंने भी फिर उतना दोबारा कोशिश नहीं करी उसे अनइंस्टॉल करने की, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था वो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि मेवन जॉब कैसे काम करना है, शेड्यूल टास्क कैसे होना है, पोल SCM कैसे होना है, गिटहब से कोड को कैसे उठाना है। ये बुनियादी बातें हैं। कोड आपको इंडस्ट्री में मिलेगा, आप उसको रन करा सकते हैं। गिटहब के अंदर बहुत सारे हजारों कोड पड़े हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें रन करा के देखिएगा, जरूरी नहीं है जो मैंने दिया है वही आप कराएं। तो वो टास्क करना एक बार आपको आ जाएगा तो आप कोई भी टास्क करके देखें, आप उसमें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए आज हमें करना क्या है कि अभी तक हमने इन चारों टूलों को बना तो लिया है, मतलब इंस्टॉल तो कर लिया अपने लैपटॉप के ऊपर, लेकिन अभी हमें ना ये नहीं पता कि जेनकिंस को ये नहीं पता कि अगर उसे गिट का इस्तेमाल करना है या उसे जावा का इस्तेमाल करना है तो वो कहां जाए। भाई लैपटॉप में चारों चीजें अलग अलग है, वो भी एक दूसरे को जानती नहीं है। अब ये कुछ ऐसे है कि हम एक फ्लैट के अंदर, एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ऊपर भी लोग रहते हैं, नीचे भी लोग रहते हैं, लेकिन जब तक कोई हमें उनसे मुलाकात ना करवाए तो फिर हम उनसे कभी गुफ्तगू कैसे होगी हमारी, बात समझ आ रही है आपको। वो एक शायर ने एक शेर कहा था कि ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, है ना। तो वो शेर कुछ यूं था मेरे ख्याल से कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो इसीलिए ना ये थोड़ा सा फासला इनके बीच में है, लेकिन अब इन्हें आपस में गुफ्तगू करनी है तो जेनकिंस को पता तो होना चाहिए ना लैपटॉप में गिट कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ इंस्टॉल हो रखा है, जावा कहाँ इंस्टॉल हो रखा है, मैवन कहाँ इंस्टॉल हो रखा है। जब तक ये बातें पता नहीं है ये आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जेनकिंस में जाके हमें बताना पड़ेगा कि भैया गिट यहां पड़ा हुआ है, जावा का पाथ हमें यहां जाके कॉपी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जावा लैपटॉप में यहां पड़ा हुआ है, और मैवन का पाथ हमें जेनकिंस में जाके कॉपी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि लैपटॉप में मैवन इस जगह पड़ा हुआ है। इससे होगा यह कि जेनकिंस को जब भी मैवन से कुछ काम होगा, मैवन के थ्रू कोई जॉब बिल्ड करानी है, कुछ भी काम करना है, तो वो मैवन को कॉल कर सकता है, क्योंकि उसे अब पता है कि मैवन कहां पड़ा हुआ है। अगर आप ये रास्ते उसे नहीं बताओगे तो जेनकिंस हर बार क्या करेगा, इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा, पहले इंस्टॉल करेगा फिर उस काम को करवाएगा। लेकिन अगर उसे पता है कि लैपटॉप में ये चीजें पहले से पड़ी हैं और मेरे पास रास्ता है इस तक जाने का, तो वो तुरंत उनको बुलाएगा, उनसे कॉल करके वो काम पूरा करवाएगा। तो
अब हमारा जो बुनियादी पर्पज है अभी स्टार्टिंग में वो ये है कि जेनकिंस में इन तीनों का पाथ कैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। एक बार वो हो जाएगा उसके बाद आगे कैसे कैसे हमें जॉब कर कंप्लीट करके दिखानी है। देखिए उसमें भी ना आज हम दो काम करेंगे। पहले हम मैवन को मैवन के थ्रू काम करेंगे लैपटॉप के अंदर, मतलब लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और डायरेक्ट मैवन जॉब को बिल्ड करेंगे थ्रू मैवन, क्योंकि मैवन हमारे लैपटॉप में पड़ा हुआ है तो मैवन के थ्रू हम डायरेक्ट बिल्ड कराएंगे। उसके बाद अगली बार में हम क्या करेंगे, क्योंकि जेनकिंस को भी मैवन का रास्ता पड़ा है, अब मैवन वाला काम जेनकिन के थ्रू करवाएंगे। समझ आ रही है बात? ये कुछ ऐसा है कि मैंने किसी से खुद डायरेक्ट इजहार कर दिया कि मुझे आपसे प्यार है और दूसरे केस में मैंने अपने दोस्त के थ्रू कहलवाया कि मुझे आपसे प्यार है। काम दोनों जगह हो रहा है, मैसेज उसी व्यक्ति पे जा रहा है, उसी बंदे के पास या मेरी उसी महबूबा के पास जा रहा है, चाहे मैं डायरेक्ट बोलूं चाहे किसी के थ्रू बोलूं, जा उसी के पास रहा है, लेकिन तरीका अलग है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं तो अब मैं मैवन से डायरेक्ट काम करा सकता हूं क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में पड़ा है। जेनकिंस के थ्रू भी मैं करा सकता हूं क्योंकि जेनकिंस जो है उसको इसका रास्ता पता है ना। जेनकिंस जो है वो हम सबका कॉमन फ्रेंड है, तो जेनकिन इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है। तो अगर मुझे कोई काम मैवन के थ्रू करवाना है तो मैं जेनकिंस के थ्रू करवा सकता हूं, आप इसको ऐसे समझें। तो अब मैं आपको फाइनल वो स्टेप्स लिख के दिखा देता हूं जिसके बाद हम फिर लैब पे चलेंगे और लैब को डिटेल में करके देखेंगे कि ये सारे काम लैब में कैसे करने हैं। तो अब जरा हम स्टेप्स देख लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बोर्ड का अगर लेना चाहें। और अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं कि भाई हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के गूगल क्रोम में जाएंगे और वहां जाके टाइप करेंगे लोकल होस्ट :8080 और उसके बाद लॉग इन करना है अपना वही आईडी पासवर्ड जो भी आपने जेनकिंस का रखा होगा। लॉग इन करने के बाद आपके पास होम पेज नजर आएगा, वहां पे आपको मैनेज जेनकिंस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। उसमें जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको वहां मैनेज प्लगइन्स का ऑप्शन नजर आएगा। वहां पे जाने के बाद कई सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, अपडेट भी होगा, अवेलेबल भी होगा। आपको अवेलेबल में जाना है, इसका मतलब ये कि कितने तरीके के प्लगइन्स जेनकिंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो सारे अवेलेबल के अंदर नजर आ जाएंगे। जितने भी प्लगइन्स होते हैं हर टूल से रिलेटेड वो सारे के सारे दुनिया भर के टूल आपको अवेलेबल में मिल जाएंगे। जिसको भी आप जेनकिंस के साथ इंस्टॉल करके कनेक्ट करना चाहते हैं आप उस प्लगइन को कनेक्ट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे आप मैवन इंटीग्रेशन सर्च करेंगे और ग्रीन बॉल सर्च करेंगे, इन दोनों को आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, दोनों को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट कर दें ताकि ये इंस्टॉल भी हो जाए और जेनकिंस रीस्टार्ट ना हो। करने के बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो आप अपने देखेंगे कि आपके जो ब्लू बॉल्स होते थे, यानी कि जब आप कोई टास्क को या जॉब को पूरा करते थे तो बॉल जो है वो ब्लू हो जाती थी, और जब फेल्ड होता है कोई टास्क तो बॉल का कलर क्या हो जाता था, रेड हो जाता था। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ब्लू ना होकर ग्रीन हो जाए, तो उसके लिए हमने ग्रीन बॉल्स को इंस्टॉल कर दिया है। तो अब आप देखेंगे जब भी कोई टास्क सक्सेसफुल होगा तो वो ग्रीन कलर शो होगा, हमें ग्रीन कलर का बॉल शो होगा। अब आपने क्या करना है, जब आप न्यू आइटम में जाएंगे तो इस बार आपको मैवन प्रोजेक्ट भी वहां पे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका प्लगइन ऐड कर लिया है। तो ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप दोबारा मैनेज जेनकिंस में जाएं और वहां पे ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा। ये क्यों कर रहे हैं, इसको करने का पर्पस वही है जो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जेनकिंस को मालूम तो होना चाहिए ना कि मेरी मशीन में कौन सा टूल कहां पड़ा हुआ है, उसका पाथ हमें कॉपी करके डालना है। तो ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर वो काम हमें करना है। सबसे पहले ऐड जेडीके करना है, तो ऐड जेडीके करना है, इसको अनचेक कर देना, यहां पर टिक लगा होगा उसे हटा देना। क्यों करना है, क्योंकि हमें इंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉल हमने लैपटॉप में किया हुआ है। और नेम में जावा लिखना है और उसका पाथ जो है वो आपको नीचे वाले जो कॉलम आएगा उसमें आप बॉक्स के अंदर फिल करना है। वो पाथ कैसे मिलेगा वो लैब में मैं आपको दिखाऊंगा। सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, प्रोग्राम फाइल्स में जाना पड़ेगा, वहां पर जावा में, जावा के अंदर जेडीके में। जैसे जेडीके में जाएंगे ऊपर एक पाथ आ जाएगा आपका URL में, उसे आप कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर दे। ऐसे ही मैवन में करना है, मैवन का नेम रखना है MAVEN। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बार बार ये मैवन की बात हो रही है, आखिर ये मैवन है क्या? फिलहाल आप सिर्फ इतना जान लें कि मैवन इज अ बिल्ड टूल, यानी टूल ये एक बिल्ड टूल है, यानी कोई भी कोड आपने लिखा है उसको बिल्ड करने के लिए, उस कोड को रन कराकर देखने के लिए है, उस कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए है। इतना सिर्फ आप फिलहाल समझ के रखें कि ये एक टूल है जिससे कि हम अपने कोड को रन करा के देखते हैं, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं और कोई एरर आता है तो ये हमें बताता है। आप इसको अभी फिलहाल इतना समझें। तो मैवन में जाएंगे, मैवन नेम रखेंगे, उसका भी पाथ हम बता देंगे कि मशीन में कहां पड़ा हुआ है। ये सारा काम करने के बाद
अब हम मैवेन प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। प्रोजेक्ट क्या, एक छोटा सा मतलब काम करके देखेंगे, रेपो में से कोड उठा के रन कराएंगे, लेकिन बाय मैवेन। अभी हम बाय मैवेन करेंगे और इससे अगला जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो हम बाय जेनकिंस करेंगे कि जेनकिंस की मदद से वो काम कैसे होता है। बाय मैवेन में कुछ नहीं करना, आप पहले ये जो मैंने पाथ लिखा है इस पाथ पे जाएंगे अपने गूगल क्रोम में, यूआरएल में जाके वहां पे टाइप करेगा github.com और वहां पे टेक्निकल गुफ्तगू आप लिखिएगा स्लैश लगा के और स्लैश लगा के टाइम ट्रैकर। तो आप मेरी गिटहब की जो पब्लिक रेपो है उसकी रेपो में पहुंच जाएंगे, टाइम ट्रैकर आपको वहां नजर आएगा। वहां पे मैं आपको लैब में सब चीजें लाइव दिखाऊंगा कि वहां पे आपको करना क्या है। टाइम ट्रैकर रेपो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक फॉर्क का ऑप्शन नजर आएगा, कुछ इस तरीके का आइकन बना हुआ होगा, इस तरीके का। तो इस तरीके का आइकन बना हुआ होगा, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक चीज से अगर मुझे कॉपी करना है, एक चीज को मुझे दूसरी जगह भी कॉपी करना है तो कैसे करना है। तो कॉपी करने के लिए ये होता है कि ये आपके रेपो में कॉपी कर देगा, आपके खुद के गिटहब अकाउंट में कॉपी कर देगा। तो उसके लिए होगा क्या, जैसे ही आप फॉर्क पे क्लिक करोगे ये साइन इन के लिए बोलेगा कि आप अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन करिए पहले। जैसे ही आप अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन करोगे तो ये क्या करेगा, ये उसको फॉर्क कर देगा, कॉपी कर देगा। उसके बाद जब वो कॉपी हो जाए तो आपने क्या करना है, अब आपने क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग करने के लिए आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको कमांड चलानी है गिट स्पेस क्लोन, और उसके बाद स्पेस देके आपको यूआरएल लिखना है टाइम ट्रैकर रेपो का, वो आपको मिल जाएगा गिटहब अकाउंट के अंदर, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। वहां से उसे कॉपी करके यहां आप पेस्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और जैसे ही आप ये कमांड रन कराएंगे गिट स्पेस क्लोन स्पेस यूआरएल आपके रेपो का, तो होगा क्या कि आपका जो भी वो रेपो है वो आपकी लोकल मशीन पे भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो गया, आपको मैं दिखाऊंगा अभी जब कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अब आप उसके अंदर जाएं, टाइम ट्रैकर के अंदर जाएं, तो आपको क्या कमांड चलानी है, सीडी स्पेस टाइम हाइफन ट्रैकर जो भी हमारा उसका नाम है। तो अब इससे क्या होगा कि हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आने के बाद हमें सिर्फ एक कमांड रन करानी है mvn maven, क्योंकि maven हमारी मशीन में पड़ा हुआ है इसीलिए हमें mvn देना पड़ेगा। और क्लीन पैकेज, इसका क्या मतलब होता है ये हम जब mvn को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले अभी लेक्चर्स में तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस कमांड को वहां पे लिखेंगे और आपकी जो कमांड है वो रन होनी शुरू हो जाएगी, रेपो में से अपने आप ये कोड उठाएगा और उसको रन करना शुरू कर देगा। रन करेगा, फाइनली सक्सेसफुल आएगा तो सक्सेसफुल दिखाएगा, कुछ एरर आएगा फेल्ड आएगा तो फेल्ड दिखाएगा। तो मेरी लैब में आपको बताऊं तो उसमें ये फेल्ड आ रहे हैं कई सारे टास्क ना इसके, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्लगइन्स मेरे प्रॉपरली शायद लैपटॉप पे काम नहीं हुए रहे या कनेक्ट नहीं हो पाया, जो भी मसला है। तो मैं भी और कामों में बिजी हूं तो मैंने फिर उसको दोबारा रिकॉर्ड करने का जहमत भी नहीं उठाई, बट आप कोशिश करिएगा करके देखने की और जरूर बताइएगा कि इस रेपो से करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है या आपके केस में भी एरर आ रहे हैं। एरर आ भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें प्रोसेस समझना है, ये कोई हम असली में किसी को काम करके दे तो नहीं रहे, तो हमें प्रॉपर प्रोसेस समझना है और उस एरर में क्या कमियां हैं वो फिर आप अपना, आपका अपना वो है कि आप गूगल पे जाएं, सर्च करें और देखें कि ये एरर क्यों आ रहा है और करेक्ट करके देखें। तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूं कि करेक्ट कर भी लेंगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहले मैवेन प्रोजेक्ट बाय मैवेन बना के देखते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यही काम जेनकिंस के अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और सबसे पहले गूगल क्रोम में चलना है और यहाँ पे चल के आपको जेनकिंस एक्सेस करना है। तो आप टाइप करिए लोकल होस्ट और कॉलन 8080, हालांकि ये देखो ये आ भी रहा है अपने आप, तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको इसका इस तरीके का होम पेज नज़र आ जाएगा। मेक श्योर कि इंटरनेट आपका चल रहा हो। और कुछ लोगों को इशू भी आया था कि सर हमारा जो है जावा इंस्टॉल नहीं हो रहा है या प्रॉपरली जेनकिंस काम नहीं कर रहा है। आपने करना कुछ नहीं है, आप कंट्रोल पैनल में चेक कर लीजिए, आपके पास नॉर्मल जावा भी होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाइए, यहाँ देखें आपको ना जावा 8 अपडेट नज़र आ रहा है 64-bit का, तो ये भी आप अपडेट कर लें अपनी मशीन में। और उसके बाद आपने जो जावा की SDK किट डाली थी आपने 64-bit वाली, ये आपने डालनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब लॉगिन करते हैं एडमिन, और एडमिन के बाद पासवर्ड क्या था हमारा, admin123। तो हम जेनकिंस में एंटर हो जाएंगे। तो ये मेरा जेनकिंस का होम पेज है। लास्ट टाइम हमने ये जॉब क्रिएट की थी, या आप प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं, आइटम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये न्यू आइटम लिखा है इसका भी यही मतलब है, जॉब कहोगे उसका भी वही मतलब है, प्रोजेक्ट कहोगे उसका भी वही मतलब है। तो तीन हमारे यहाँ पे हैं, आपको दिख रहे हैं। अब हमें इससे आगे का काम आज करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले मैनेज जेनकिंस में जाना है।
अब यहाँ देखें आपके पास कई सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कह रहा है कि न्यू वर्जन ऑफ जेनकिंस इज़ अवेलेबल। अगर आप इसे कहते हैं ठीक है आप इसे अपग्रेड कर दो ऑटोमेटिकली, तो ये इसे ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा। ठीक है, अभी ये कह रहा है जेनकिंस डॉट वार इज पेंडिंग। अब ये सक्सेस आ रहा है, देखें यहाँ पे धीरे धीरे ये इंस्टॉल कर रहा है प्लगइन्स और अपग्रेड्स कर रहा है। एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये जब तक होता रहेगा हम बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेज जेनकिंस में आते हैं, ये हमारा अपडेट हो रहा है, इन प्रोग्रेस है। और ये क्या कह रहा है, कन्फिगर विच ऑफ दिस वार्निंग्स आर शोन। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है मल्टीपल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ों के लिए ये कह रहा है। खैर अभी हम इसमें नहीं जाते। अब देखें मैनेज जेनकिंस, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने ऐड करना है, रिमूव करना है किसी भी प्लगइन को, किसी भी नए प्लगइन को ऐड करना है, रिमूव करना है, डिसेबल करना है, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो अपडेट्स, आपने ऑलरेडी जो प्लगइन्स डाले हुए हैं उनके जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें सिलेक्ट करके, आप इन सभी को सिलेक्ट करके आप इन्हें डाउनलोड नाउ एंड इंस्टॉल आफ्टर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें ये अपने आप डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये ऑलरेडी ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर हम बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं, यहाँ पे मैनेज जेनकिंस पे आते हैं, यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स पे चलते हैं और अवेलेबल में चलते हैं। देखें आपको जितने भी प्लगइन्स चाहिए, चाहे वो डॉकर का हो चाहे वो कुबरनेट्स का हो, जैसे सपोज मैं डॉकर यहाँ पे सर्च करूँ अगर, तो देखें डॉकर को प्लगइन भी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे हैं आप डॉकर का, दिस प्लगइन इंटीग्रेट्स जेनकिंस विद डॉकर। आप यहाँ पे कुछ और डालते हैं, सपोज आप शेफ डालते हैं तो आपको देखें नज़र आ रहा है शेफ का प्लगइन भी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें रन शेफ क्लाइंट रिमोटली अंडर जेनकिंस सी आई। अब यहाँ पे आप कुबरनेट्स डालते हैं सपोज करें, तो देखें यहाँ पे आपको कुबरनेट्स भी नज़र आ जाएगा। दिस प्लगइन इंटीग्रेट्स जेनकिंस विद कुबरनेट्स। तो सारे के सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पे मैवन सर्च करता हूँ तो मुझे मैवन भी नज़र आ रहा है, देखें जीरा भी नज़र आ रहा है। दिस प्लगइन इंटीग्रेट्स जेनकिंस टू अटलासियन जीरा। तो बहुत सारे प्लगइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो हमने मैवन इंटीग्रेशन प्लगइन सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, उसको है ग्रीन बॉल्स, तो ये भी ले लेते हैं ग्रीन बॉल्स करके, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट। इस पर आप क्लिक कर दें तो अब ये भी मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सारे के सारे एक बार इंस्टॉल हो जाएं उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी देर में जाके सारा इंस्टॉल हुआ है, डाउनलोड हुए हैं। तो मेरा जेनकिंस डॉट वार फेलियर हो गया है और मैवन इंटीग्रेशन भी फेल हो गया है, बाकी सब डाउनलोड हो गया है। ये जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे जेनकिंस को या दोबारा जब चलाएंगे लॉग आउट करके, तो ये अपने आप इंस्टॉल भी हो जाएंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है विल बी एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट बूट, लेकिन मसला ये है कि हमारा मैवन इंटीग्रेशन फेल हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो गो बैक टू द टॉप पेज करते हैं, दोबारा मैनेज जेनकिंस में चलते हैं और भैया दोबारा से हमने करना पड़ेगा। तो पहले तो ये अपग्रेड है, ये रिट्राई नहीं करते, हम सीधा मैनेज प्लगइन्स में चलते हैं और यहाँ अवेलेबल में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं मैवन और दोबारा से मैवन सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से इसको इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट करते हैं और अब की बार देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और ये देखें दोबारा करने पे मेरा मैवन इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, कई बार ये सक्सेसफुल होगा कई बार फेलियर हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने उसकी टेंशन नहीं लेने की यार सर का तो ये फेलियर नहीं हुआ मेरा क्यों हो गया या कुछ भी है, बहुत सारे इसमें कई बार इश्यूज आ जाते हैं। आप उसे रीस्टार्ट कर लें, उसको दोबारा से करके देखें, फिर भी नहीं होता है तो आप मैनेज जेनकिंस में जाके, जो है मैं आपको भी दिखाऊंगा मैनेज प्लगइन्स में जाके कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। अब जैसे देखें नीचे क्या लिखा है, रीस्टार्ट जेनकिंस व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एंड नो जॉब्स आर रनिंग। तो इससे क्या होगा कि ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो भी दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगी जो डाउनलोड हो चुकी थी। तो एक बार हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिखना है एडमिन और पासवर्ड था हमारा एडमिन 123, साइन इन करें आप। तो ये देखें मैं दोबारा से आ गया हूँ यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे ना आपको ब्लू की जगह ग्रीन बॉल नज़र आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया ग्रीन बॉल्स का। तो अब जब भी सक्सेसफुल होगा ना ये ग्रीन बॉल शो करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जेनकिंस के अंदर, जैसे मैंने ग्रीन बॉल कर दिया तो अब ये ग्रीन बॉल नज़र आ रहा है। ऐसे ही आप जब
अपने न्यू आइटम पे जाएंगे और आइटम क्रिएट करेंगे, तो देखें अब आपको मैवन प्रोजेक्ट के नाम से भी यहाँ पे प्लगइन नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैवन आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपनी मशीन के ऊपर, तो अब ये मैवन भी नज़र आ रहा है। पहले नज़र नहीं आ रहा था, आप अगर पिछली लैब की रिकॉर्डिंग देखेंगे मेरी तो वहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा था। यानी जेनकिंस के साथ जितने प्लगइन चाहो ऐड कर दो, जितने प्लगइन चाहो उतने प्लगइन्स के साथ काम कर सकते हो, बेहद आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपका कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आप गूगल करें, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि भाई उस एरर को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दें, पता चल जाएगा ये एरर मेरा क्यों आ रहा है, क्या चीज़ मिसिंग है। तो थोड़ी सी ना कोशिश आप भी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ मैंने कराया अब वो आपकी मशीन पे नहीं चला तो आप कहें कि सर हमारा तो नहीं चल रहा। तो यही तो ट्रबल शूटिंग है जो आपको आनी चाहिए। अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो भैया सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो छोटे मोटे एरर आते हैं उन्हें खुद से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हालांकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट किया कि भाई जिन जिन को एरर आ रहा है वो ये सॉल्यूशन ट्राई करें, ये सॉल्यूशन ट्राई करें। तो आप उन सॉल्यूशंस को ट्राई करो, कोशिश करो कि जिस तरह से और लोग बता रहे हैं हम वो फार्मूला ट्राई करके देखें। तो हर चीज़ के लिए भूपिंदर सर को याद ना किया करो, कुछ चीज़ें ऐसी खुद से करो जिससे आपको खुद पर लगे कि हाँ यार मैंने ये प्रॉब्लम ना खुद से सॉल्व कर ली। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आगे से आप ऐसा ना करें कि हर चीज़ के लिए आप बिल्कुल हाथ पैर फुला के बैठ जाएं कि यार हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं सोचना है। कहीं एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, दोबारा ट्राई करें, फिर देखें कि यार ये एरर आ रहा है, आप गूगल पे करें कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, तो गूगल पे आपको वो बंदा बताएगा जो सजेशंस आएंगे गूगल में, ठीक है, कि भाई कैसे सॉल्व करना है। तो यार देखें हिम्मत मदा, वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो आपने यही करना है। देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। अब देखिए मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे ना आपके पास ये ऑप्शन है, देखें मैनेज जेनकिंस, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा होगा। ये क्यों है ये मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड पे समझा चुका हूँ कि ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन से आपने अपने जो बाकी टूल्स आपके मशीन में पड़े हुए हैं उन्हें आपको इसको बताना है कि भैया वो कहाँ पड़े हैं, किधर पड़े हैं। तो देखिए एक तो JDK आपको नज़र आ रहा है, तो ऐड JDK पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ रहा है इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, तो हमने तो इंस्टॉल किया हुआ है तो हमने यहाँ पे इसे अनटिक कर देना है। अब ये आपसे कहेगा भैया ठीक है आपने अनटिक कर दिया तो फिर आप रास्ता बताएं कहाँ पे है, नेम देना है, नेम आप कुछ भी दे दो, मैं जावा नेम दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने जहाँ पे भी अपना जावा इंस्टॉल किया है मुझे उस जगह पे जाना है। तो मैंने कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, मिनिमा मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाता हूँ, यहाँ देखें मुझे जावा नज़र आ रहा है, इस जावा पे क्लिक करें, यहाँ पे मुझे JDK 16 नज़र आ रहा है। JRE नहीं जाना है, JDK जाना है, JRE पे क्लिक करें, JDK पे क्लिक करें। अब देखें आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है। देखें ये पाथ आ गया, इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें और जेनकिंस पे वापस जाएं और यहाँ इस बात को पेस्ट कर दें। आई होप ये समझ आ गया होगा, किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखिए नीचे ना गिट का ऑप्शन है, गिट बाय डिफ़ॉल्ट इतना कॉमन चीज़ है कि वो अपने आप उठा लेता है, उसको पता है गिट को कैसे यूज़ करना है। तो ये गिट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, इसे हमें छेड़ना नहीं है। ग्रेडल आंट ये सब हमें कुछ नहीं करना है। मैवन पे जाना है, मैवन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारी मशीन में भी पड़ा है, हमने लैपटॉप में लास्ट लैब में किया था, लैपटॉप पे भी हमने इंस्टॉल किया था। तो ऐड मैवन पे क्लिक करें, नेम देना है, नेम आप क्या देंगे, नेम आप दे दो मैवन, कैपिटल कर देते हैं मैवन। और जी यहाँ पे इसे इंस्टॉल हमें नहीं करना है तो इसे भी आप अनटिक कर दें। अब ये आपसे कहेगा जी तो फिर आप रास्ता बताएं, तो रास्ता कैसे पता चलेगा, वही माई कंप्यूटर में जाएं आप, यहाँ पे सी ड्राइव में जाएं, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। अब यहाँ ना सॉरी सी ड्राइव में नहीं जाना आपने, आपने जाना है डेव टूल्स में। आपको याद होगा मैवन के लिए हमने डेव टूल्स के अंदर मैवन डाला था, याद है कि भूल गए, याद है ना। अब देखें इस पर क्लिक करें, अब ये खुल गया, अब आप यहाँ क्लिक करें तो ये पाथ आ गया। कंट्रोल सी कर लें, जेनकिंस में जाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और नीचे आके यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर दें, फिर सेव करना चाहें डायरेक्ट सेव कर दें। सेव करेंगे तो सीधा होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये देखें मैं होम पेज पे आ गया। तो मैंने उनको रास्ते बता दिए हैं भैया कि मशीन में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, मैवन कहाँ पड़ा है, गिट कहाँ पे है, जावा कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमने कन्फिगर कर ली हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मैवन प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें अपने गिटहब अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गिटहब पे चलता हूँ,
तो ये देखें, मेरे को GitHub की ये वेबसाइट नज़र आ रही है ऑफिशियल, इस पे जाएं आप, यहाँ पे साइन इन कर लें। आपने सबने अकाउंट बनाया हुआ है जब मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था, तो चले साइन इन कर लेते हैं। तो ये मैं GitHub अकाउंट में आ गया हूँ। अब आपने करना क्या है देखें, मेरे पास ना मेरी GitHub के अंदर रिपोजिट्री में क्या पड़ा है मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं यूर रिपोजिट्रीज में, तो यहाँ ना हमें एक नज़र आ रही है टाइम ट्रैकर, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये मुझे एक रिपोजिट्री नज़र आ रही है। तो आपने करना क्या है, आपने मेरे इस पाथ पे जाना है, ये वाला github.com/technicalguftagu/timetracker। जैसे ही आप ये अपने गूगल में सर्च करेंगे आपको मेरा ये रिपोजिट्री नज़र आएगा। इसको आपको अपनी GitHub अकाउंट में कॉपी करना है। उसे कॉपी करने का तरीका क्या, आपने कुछ नहीं करना, आपको ना यहाँ फॉर्क का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मेरे में तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं खुद को ही खुद में कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन आप जब मेरे अकाउंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ फॉर्क का ऑप्शन ये नज़र आएगा जो यहाँ आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा GitHub के, जैसे ही आप वो डालेंगे अपने आप ये सारी फाइल जो हैं ये आपके अकाउंट में कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉपी क्यों करनी है आपको, क्योंकि हमने जो अब आगे लैब करनी है वो इन्हीं कोड्स की हेल्प से करनी है, ये सैम्पल कोड आप समझ सकते हैं, तो इसीलिए आप फॉर्क करके इसे कॉपी कर लें। कोई मसला आए तो फिर आप ज़रूर बताइएगा हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल। और एक चीज़ और कि ग्रुप को ज्वाइन करने के कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो यही है कि आपने अपना लिंक्डइन आईडी पेस्ट करना है क्वेश्चन, जब हमने वहाँ पे दो सवाल पूछे हुए हैं। और दूसरा कि आप हमारी कोई भी वीडियो फेसबुक पे शेयर करें और शेयर करने के बाद उसका लिंक जो है वो वहाँ पे पेस्ट कर दें। वो दोनों जवाब देने के बाद आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काम आपने करना है तो ज़रूर किया करें, फेसबुक से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ उस ग्रुप के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग शेयर करते रहते हैं, तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, भूपिंदर राजपूत के नाम से मैं आपको वहाँ पे भी नज़र आऊँगा, तो लिंक्डइन के ऊपर भी मुझसे आप कनेक्ट हो जाएं, सो दैट हमारे जो भी टेक्निकल गुफ्तगू के कई बड़े आप कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट पे बहुत ही कम कीमत पे जो भी ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, 1,500 रुपये लेके, 2,000 रुपये लेके, जितनी भी महंगी ट्रेनिंग्स हैं वो सब हम कम से कम पैसे में आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कह सकते हैं हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे पोस्ट भी हम लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से लिंक्डइन पे और फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएं, फेसबुक के ग्रुप पे कनेक्ट हो जाएं। फेसबुक आईडी तो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन फेसबुक ग्रुप पे आप कनेक्ट हो जाएं, लिंक्डइन अकाउंट पे कनेक्ट हो जाएं, ट्विटर पे भी हम अवेलेबल हैं मेरे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा, चैनल में भी नज़र आ जाएगा, तो ट्विटर पे भी हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट ज़रूर हो जाइए। तो चलें, यहाँ पे ये सारी काम होने के बाद आप जब ये फॉर्क कर लेंगे तो आपने क्या करना है मैं अब आपको वो बताता हूँ। अब आपने ना अपने लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद तो पहले ना इससे बाहर आ जाएं, ये जो भुप्पी और ये यूज़र लिखा है ना इससे हमें बाहर आना है, तो दो बार बाहर आना है हमें। तो आप क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी कर दें, डबल डॉट लगाएं, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं और डबल डॉट लगाएं, लेट मी चेक, जी आ गए, हम बाहर आ गए। तो अब ये हमारा यहाँ पे हो गया, सी ड्राइव के अंदर मैं अब काम कर रहा हूँ। क्या काम करना चाहता हूँ, मैं गिट क्लोन कर रहा हूँ ताकि ये सारे जो मेरे थे ना, ये जो फाइलें बनी हुई हैं मेरी रिपोजिट्री में, वो सारी मेरी मशीन पे भी आ जाएं। तो मैंने क्या करना है, URL ऑफ ये रेपो जो है आपको वो उठाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कोड पे नज़र आएगा, तो यहाँ पे आप इसे कॉपी कर लें, इस URL को कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें, माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जी हाँ, आपको एंटर का बटन दबाना है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये देखें क्या कह रहा है, क्लोनिंग इनटू टाइम ट्रैकर, तो इसने जी क्लोन कर दिया है, 100% क्लोन हो गया देखिए, तो अभी हमारी मशीन पे भी आ गया। आप चेक करना चाहते हैं आप DIR करें, एंटर करें, ये देखें आपको यहाँ पे टाइम ट्रैकर नज़र आएगा, यानी ये हमारी लोकल मशीन पे आ चुका है। इसे ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, इसको मिनिमाइज करिए, यहाँ पे इसे मिनिमाइज करिए, और देखें मैं बैक जाता हूँ अपने दिस PC में, सी ड्राइव में, तो आपको यहाँ टाइम ट्रैकर नाम का फोल्डर नज़र आ रहा है, यानी अब ये लोकल मशीन पर भी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब
इसे बंद करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस से चलते हैं और यहाँ पे इसे बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सीडी, और अब हम टाइम ट्रैकर में ही चलते हैं, टाइम ट्रैकर एंटर करते हैं, टाइम ट्रैकर के अंदर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, MVN क्लीन पैकेज, हमने ये काम करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बिल्ड होगा जो है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली इस कमांड से क्या होता है, जो कोड होता है वो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डाउनलोड कर रहा है ये, कुछ बहुत सारे काम कर रहा है और ये बिल्ड कर रहा है। देखें बिल्डिंग टाइम ट्रैकर आपको नज़र आ रहा है, तो ये बिल्ड कर रहा है। तो देखिए जी, ये मेरा टाइम ट्रैकर का जो इसने बिल्ड किया है उसमें ये कह रहा है जी एक सक्सेसफुल हुआ है, कोर के अंदर कोई एरर है जिसकी वजह से कोर मेरा फेलियर हो गया है, वेब मेरा स्किप हो गया है। तो ओवरऑल ये बिल्ड फेलियर बता रहा है कि भैया कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ नहीं आपकी हुई हैं। चले कोई बात नहीं, इसको करने के बाद अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और जेनकिंस में चलता हूँ। तो मैं अपने जेनकिंस में वापस आ गया हूँ। अब इसी काम को हम जेनकिंस के थ्रू करके देखते हैं कि भैया अगर यही मैवन वाला काम हमें जेनकिंस के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हैं। बेहद आसान है, कुछ नहीं करना, आप जेनकिंस के अंदर जाइए, वहां पे जाके न्यू आइटम में जाइए और न्यू आइटम में आपको अपना एक कोई भी नाम दे दो आप। हमने कोई नाम दे दिया उसका, माई मैवन प्रोजेक्ट। नाम देने के बाद आप मैवन प्रोजेक्ट इस बार सिलेक्ट करिए, फ्री स्टाइल सिलेक्ट नहीं करना है, मैवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सोर्स कोड मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप गिट को सिलेक्ट करें। जैसे ही गिट को सिलेक्ट करेंगे वो कहेगा भैया रिपोजिटरी यूआरएल डालो। तो यहां पे कौन सा डालना है, जो गिट हब का आपका पास जो आपका टाइम ट्रैकर रेपो है उसका आपको पाथ लेकर यहां पे पेस्ट करना है। करने के बाद आप और नीचे आएंगे तो आपको वहां पे बिल्ड ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आप ये पहले से डाला हुआ होगा pom.xml, ये बड़ा फेमस है मैवन के लिए, तो ये आपको वहां पे पहले से मिलेगा। गोल्स एंड ऑप्शंस के अंदर वही कमांड देनी है जो हमने जब हमने यही काम मैवन प्रोजेक्ट का काम हमने नॉर्मली किया था बाय मैवन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू लैपटॉप पे चलाकर किया था, वही कमांड आपको यहां देनी है। लेकिन यहां इस बार MVN नहीं आएगा, सिंपल क्लीन पैकेज आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैवन प्रोजेक्ट के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे MVN लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लीन पैकेज लिखो और आप सेव कर दो। सेव करने के बाद अब आप इसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करा के देखो, बिल्ड नाउ करो और ये आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, देखें आप बात को समझें, हमें इसमें हम जो कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि सपोज ये मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने मैवन डाला हुआ है, मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने जावा डाला हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने लैपटॉप के अंदर गिट इंस्टॉल किया हुआ है और जेनकिंस इंस्टॉल किया हुआ है। अब सपोज करें मेरा कोई डेवलपर है, उसने कोई कोड बनाया, कोई कोड लिखा, तो उसको वो यहाँ पे अगर वो खुद से बिल्ड करके देखना चाहता है तो वो कर सकता है। वो अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में जाएगा लैपटॉप के और जो भी कोड उसने लिखा है, जो भी उसके रैपो में पढ़ा है मतलब, उसको वो रैपो से उठाएगा और क्योंकि मैवन उसकी मशीन में पड़ा हुआ है तो वो कमांड चला देगा MVN क्लीन पैकेज और वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो जो कोड है वो रन हो जाएगा जो भी आपने रैपो में से उठाया है। ठीक है, तो अब वो बता देगा भैया कहाँ एरर आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। अब डेवलपर यही काम जेनकिंस के थ्रू कराना चाहता है कि यार जेनकिंस से मैं जो है ये काम करवाऊं। ठीक है, कोड आपका पड़ा हुआ है, कोड आपका रेपो में ही पड़ा है, कहीं और नहीं पड़ा है, उसी जगह पड़ा है, रेपो में ही पड़ा है, लेकिन इस बार आप कमांड प्रॉम्प्ट से काम नहीं कर रहे, जेनकिंस के थ्रू उस काम को कर रहे हैं। तो जेनकिंस में अब आपको वो रास्ता सिर्फ बताना पड़ेगा किट रिपोजिटरी यूआरएल का, वो अपने आप जेनकिंस वहां से उठा के लाएगा, उठा के लाने के बाद वो उसे बिल्ड करेगा, बिल्ड करके देखेगा और बिल्ड करने के लिए अब जेनकिंस ऑफकोर्स इसी की मदद लेगा जो आपकी मशीन में पड़ा है, इसी मैवन की मदद लेगा, इसी गिट की मदद लेगा, क्योंकि आपने ये पाथ पहले ही इसको बता दिया है कि मेरे लैपटॉप में मैवन कहां पड़ा है, मेरे लैपटॉप में गिट कहां पड़ा है। तो जेनकिंस भी इन्हीं की मदद से काम करेगा, पर आपको अब इन्हें डायरेक्ट कहने की जरूरत नहीं है, आप जेनकिंस को कहोगे, जेनकिंस अपने आप इनसे काम करवाएगा। तो हम वही काम करके देख रहे हैं, डायरेक्ट मैवन के थ्रू भी हमने काम करके देखा और अब हम जेनकिंस के थ्रू ये काम करके देख रहे हैं।
एक और मैं बात बता दूं कि जब इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर भी एरर आएगा मेरे केस में, क्यों? क्योंकि मेरी लैब मैंने पहले बना ली, मैंने आपको बताया था, और वहां पे कुछ एरर आ रहे थे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि प्रोसेस समझ आना चाहिए। हमारा मकसद है इस प्रोसेस को समझना। जब आप रियल टाइम में करेंगे, आपके पास कोड होगा, आपकी मशीन में जेनकिंस प्रॉपर इंस्टॉल होगा, क्योंकि मेरे केस में आई डोंट नो क्या हो रहा है, मैं दोबारा चेक करूंगा जब आपको आगे प्रोजेक्ट कराऊंगा, तो आई विल ट्राई इसे दोबारा अनइंस्टॉल करके मैं दोबारा दिखाऊंगा ताकि ये प्रॉपरली काम करे। बट जिन लोगों के पास विंडोज प्रो है या बाकी हैं, आई थिंक वहां पे ये प्रॉपरली काम करेगा। विंडोज होम में आई डोंट नो, कहीं कुछ कहीं ना कहीं कोई मसला है, तो लेट मी चेक, वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, एक दो दिन के अंदर। तो बहरहाल आपको बात समझ आ गई, अब इसको भी जरा लैब में करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू आइटम में चलते हैं। यहाँ पे हमने मैवन प्रोजेक्ट इस बार सिलेक्ट करना है, और फील्ड नेम में आप इसे लिख लें माई मैवन प्रोजेक्ट, ये आप इसको नाम दे दें, उसके बाद ओके कर दें। यहाँ देखिए आपको ना सोर्स कोड मैनेजमेंट नज़र आ रहा है, इसमें ना अभी नन है। हम गिट पे सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें तो गिट से उठा लो आप, तो हमने गिट सिलेक्ट कर लिया। अब ये कहता है जी आप रिपोजिटरी का यूआरएल बता दें, तो रिपोजिटरी का यूआरएल क्या है? यही वाला है, ये वाला आपका रिपोजिटरी का यूआरएल है, इसे आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया, अब इसे पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप तो ये देखें यहाँ बिल्ड में आपको कुछ नहीं करना, POM.XML ऑलरेडी लिखा हुआ है। गोल्स एंड ऑप्शंस में जाके आपने एक चीज लिखनी है बस, क्लीन पैकेज। बिल्ड करने के लिए क्लीन पैकेज आप यहाँ पे लिख दें, और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दें। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है, मैं दोबारा बैक टू डैशबोर्ड आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास माई मैवन प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ बिल्ड नाउ का ऑप्शन है, बिल्ड नाउ करते हैं। तो देखें ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आप जब इस डॉट के ऊपर जाएंगे, देखिए अभी ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि बिल्ड हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स देता जाएगा, जो जो रिजल्ट्स अभी मैंने आपको सी ड्राइव पे करके दिखाए थे, ये वाले रिजल्ट्स, यही सारे रिजल्ट्स अब आपको यहाँ नज़र आएंगे अगर हम मैवन के थ्रू करेंगे। तो देखें वही मेरे जो सी ड्राइव में एरर आए थे, वही कुछ एरर मेरे यहाँ पर भी आए हैं। ये कह रहा है कि भैया कुछ एरर आ रहे हैं, और वो एरर आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। खैर वो मेरे कोड में कुछ एरर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इस बार इन्होंने पेरेंट को सक्सेस कर दिया है, कोर को सक्सेस कर दिया है, वेब में मेरा फेलियर बता रहा है। तो इस तरीके से चले, ये अगर एरर भी आ रहा है कोई मसला नहीं है, हमें ये देखना था कि भाई ये हमारा एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो ये आपको एक आइडिया लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बैक करते हैं। अब देखें जैसे मेरे पास ना यहाँ पे मेरी गिटहब के अंदर मेरे पास जैसे ये एक फाइल है, कोर फाइल, मैं इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर आपको ये SRC नाम से एक फाइल नज़र आ रही है, इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे एक मेन नाम से फाइल आपको नज़र आ रही है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखें आपको एक फाइल नज़र आ रही है tracker.java, मैं इसमें जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा है पैकेज training.taylor.timetracker.core, इस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ये नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने थर्ड और फोर्थ जो है ना इसे आप कमेंटेड कर दें। आप मैं मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे आपने इसको जो है ना एडिट कर लें यहाँ से, और अब आप इसे कमेंटेड कर दें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ, इस पर भी लगा देता हूँ, तो अब ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कमेंटेड कर दिया। अब आप यहाँ पे आके कमिट चेंजेस कर दो, यहाँ पे इसको नाम दे दो न्यू चेंजेस, और इसको आप कमिट चेंजेस कर दो। तो मैंने ये चेंजेस कर दिए। अब मैं जब अपने मैवन प्रोजेक्ट को दोबारा से बिल्ड करूँगा, मैं बैक पे जाता हूँ, माई मैवन प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, इसको मैं बिल्ड नाउ करता हूँ, तो अब ये दोबारा बिल्ड होगा। और अब की बार आप अगर इसको क्लिक करेंगे और आप इसमें जाके देखेंगे, तो देखिए ये एरर दे रहा है, स्टार्टिंग में ही एरर दे रहा है, ठीक है ना। इसने स्टार्टिंग में ही हमें एरर देने शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है हमने इसको मेन जो फाइल्स थी उसे कमेंटेड कर दिया, तो इसने सीधा बोल दिया फेलियर आ गया, एकदम से इसने चेक कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जो मेन फाइल थी वो हमने कर दी। हालांकि पहले वाला भी फेलियर था, वो कुछ एरर इसमें है, तो मैं अभी उसके उसमें नहीं जा रहा, या कुछ मेरे यहाँ पे फाइल मिसिंग होंगी। माइट बी पॉसिबल कि आपके यहाँ सक्सेसफुली चल जाए, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि मेरी भी ये लैपटॉप न्यू मशीन है। तो जस्ट आप कॉन्सेप्ट को समझें, कोई एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई मसला नहीं है,
कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। देखें यहाँ पे ना बिजलियाँ कड़क रही हैं, क्यों? क्योंकि दो प्रोजेक्ट किए थे, दोनों के दोनों ही हमारे फेल्ड हो गए। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे आगे ठीक भी हो जाएंगे जब फेल्ड हो रहे हैं तो, कोई मसला नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने यहाँ पे सीखा, अब देखें मैं दोबारा जाता हूँ अपने टाइम ट्रैकर में, यहाँ पे अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दोबारा एडिट करता हूँ, और एडिट करके यहाँ पे मैं इसको अनकमेंटेड कर देता हूँ, ऐसे इस फाइल को भी अनकमेंटेड कर देता हूँ, और दोबारा से अब की बार मैं कमिट चेंजेस कर देता हूँ। तो मैंने अपनी मेन फाइल में कमिट चेंजेस कर दिए। अब जब मैं देखें इसको दोबारा से बिल्ड करूँगा ना, तो अब की बार एरर तो आएगा क्योंकि मेरी ये फाइल में कुछ एरर आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा। वो जो एरर आ रहा था आपको मैं दिखाता हूँ, देखें जी अब ये चलेगा ना, तो अभी ये एकदम से एरर नहीं देगा, ये देखें ये चल रहा है, ये सक्सेसफुल हो रहा है, आगे जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो मैंने वहाँ पे अनकमेंटेड कर दिया है। तो वो मतलब जो भी आगे जो भी एरर है, जो भी मसला है, जो भी चीज़ें हैं, वो अलग बात है, यहाँ पे कुछ और मसले आ रहे हैं, कुछ और एरर आ रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट गोल org.apache.maven plugin, कोई प्लगइन हमारा डिफॉल्ट वार ऑन प्रोजेक्ट टाइम ट्रैकर वार ऑफ गोल, कुछ इशू आ रहा है, अनेबल टू लोड द मोजो वार इन द प्लगइन, तो कुछ प्लगइन्स मिसिंग आई थिंक। तो एक बार हम चेक कर लेंगे, देखें यहाँ पे दिखा भी रहा है ड्यू टू एन API इनकम्पैटिबिलिटी, तो ठीक है कुछ और प्लगइन्स हमें ऐड करने हैं, वो हम ऐड कर देते हैं, अदरवाइज तो ये हमारा प्रॉपर चल जाएगा। ठीक है, तो आपके केस में हो सकता है प्रॉपर चल जाए, मेरे में ये कुछ एरर दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, बैक करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये मेरे को फेल्ड का भी दिखा रहा है, भैया तीनों फेल्ड हैं, लाल आ रहा है बिल्कुल ये। चलें कोई बात नहीं, तो ये मेरा मैवन प्रोजेक्ट हो गया। अब देख, अब जरा शेड्यूल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि शेड्यूल प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप कोई काम को कर रहे हैं और आप उसे बार बार नहीं, आप एक ही रिपीटेटिव काम आपका है और आपको हर मिनट में उस काम को करना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर मिनट के बाद हम उस काम को करें। इसके लिए हम शेड्यूल प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये काम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होना चाहिए, हर मिनट या हर घंटे या हर 24 घंटे के बाद आप चेक करो कि कोई नया कोड तो नहीं आया रेपो के अंदर और उसे बिल्ड कराओ। तो ये काम हम शेड्यूल तरीके से भी करा सकते हैं, और ये आपको याद होगा हम पहले शेफ में कर चुके हैं, तो वही काम यहां पे भी कर सकते हैं। आप शेड्यूल प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि हर एक पीरियोडिकली एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चेक करेगा, बिल्ड करेगा, चाहे उसमें चेंज हुए हो या ना हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको चेक करेगा ही करेगा, यानी चेक मतलब बिल्ड करेगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं शेड्यूल प्रोजेक्ट। करना कैसे है? कुछ नहीं करना, आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे जाएं जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और वहां उनमें जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें और वहां पे बिल्ड ट्रिगर्स का ऑप्शन होगा। बिल्ड ट्रिगर मतलब कि ट्रिगर कैसे देना है आपको, उस काम को कैसे करवाना चाहते हो, और वहां पे आप बिल्ड पीरियोडिकली सिलेक्ट करेंगे कि हम इसे पीरियोडिकली एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये काम होना ही चाहिए, बिल्ड होना चाहिए। उसके लिए वहां पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, वहां पे आप ये 5 सितारे बना दें, जिसमें कि पहला सितारा बताता है आपको मिनट, दूसरा बताता है घंटा, और तीसरा बताता है आपको दिन, चौथा बताता है महीना, और पांचवा बताता है वीक। तो ये 5 आपको सितारे बनाने हैं। इसमें डिफॉल्ट मैं ले रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं लगा रहा, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं कि 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद, वो काम भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ कि हर मिनट, हर घंटे के हर मिनट, यानी हर महीने के उल्टा चलते हैं एक बार, हर महीने के हर दिन के हर घंटे और हर घंटे के हर मिनट ये काम होना चाहिए, इस तरीके से हम चलते हैं। ये बड़ा अजीब सा है कि आखिरी में वीक डाला हुआ है इन्होंने, पर ये आपको याद रखना है कि आखिरी वाला स्टार वीक के लिए होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, कैन सी ऑटोमेटिक बिल्ड्स आफ्टर एवरी मिनट। ये करने के बाद जब आप इसे सेव कर दोगे ना, तो उसके बाद आप देखना 1 मिनट के बाद अपने आप बिल्ड होगा, फिर उससे अगले 1 मिनट के बाद दोबारा बिल्ड होगा, कोई चेंज हम नहीं कर रहे तब भी वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। तो कई जगह तो ये काम ठीक है, अच्छा है। अच्छा, यू कैन मैनुअली ट्रिगर बिल्ड एज वेल, तो ये नहीं है कि ये हमने पीरियोडिकली कर दिया तो अब हम मैनुअली नहीं कर सकते, मैनुअली भी जब चाहो उस टाइम आप उसे बिल्ड करके देख सकते हो, पर ये पीरियोडिकली है। तो इसमें मसला ये है कि यार कोई काम हमने आज किया, अब हम कल कोड में चेंज करेंगे, तो बेवजह वो क्यों हर मिनट उसे बिल्ड कर रहा है, बेवजह हमारे रिसोर्स कंज्यूम हो रहे हैं, हमारा CPU जो है बिजी हो रहा है। तो इससे बेहतर तरीका आया सोर्स कोड पॉलिंग का। सोर्स कोड पॉलिंग क्या कहता है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोड में कोई चेंज करूंगा,
समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ तब उसको बिल्ड करेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझे कि सपोज करें यहां पे आपका कोई यूजर पड़ा हुआ है, ठीक है, और यूजर यहां पे आपका या ये SCM है ना, SCM, और यहां आपका डेवलपर का कोड पड़ा हुआ है। अब डेवलपर का जो कोड है वो SCM पीरियोडिकली अगर आप कर रहे हैं, तो पीरियोडिकली के केस में क्या होता है कि ये हर एक मिनट के बाद जाएगा और उसको बिल्ड करेगा, ठीक है, उसको बिल्ड करेगा। लेकिन SCM नहीं हम इसे यहां बोलेंगे, इसे पीरियोडिकली बोलेंगे, शेड्यूल बोलेंगे। शेड्यूल के केस में ये क्या करेगा, हर एक मिनट में जाएगा, डेवलपर के कोड को चेक करेगा या जहां भी हमारे रैपो में कोड पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, उसको चेक करेगा और उसको बिल्ड करेगा, उसको बिल्ड करेगा या हर एक मिनट के बाद। लेकिन अगर आपने SCM लगाया हुआ है तो SCM में वो हर मिनट जाएगा तो उसके पास, रैपो के पास वो जाएगा तो हर मिनट, अपने कोड के पास हर मिनट में जाएगा तो, अगर आपने ये वाला लगाया है। लेकिन वो बिल्ड कब करेगा, वो बिल्ड तभी करेगा जब कोई चेंजेस होंगे उस रैपो के अंदर, चेंजेस होंगे उस कोड के अंदर, वो बिल्ड सिर्फ तभी करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई बिल्ड तभी करो जबकि आपको चेंजेस हो रहे हैं, बेवजह आप क्यों उस काम को करे जा रहे हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, तो उसे हम सोर्स कोड पोलिंग बोलते हैं। मैं आपको लैब में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, नो नीड टू वरी। तो इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि आप जेनकिंस के होम पेज में जाएंगे, अपने माई मैवन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और वहां आप कन्फिगर में जाएं। कन्फिगर में जाने के बाद आपको बिल्ड ट्रिगर का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इस बार आपको पोल SCM सिलेक्ट करना है ताकि आप ये वाला काम कर सके। पोल SCM सेलेक्ट करें, वही 5 सितारे बना दें, 5 स्टार, और उसके बाद नाउ गो टू GitHub अकाउंट। अब GitHub अकाउंट में जाके आपने करना क्या है कि आप वहां पे ना कुछ चेंजेस कर दो इस फाइल के अंदर। आपको टाइम ट्रैकर के अंदर, रेपो के अंदर एक फाइल नजर आएगी readme के नाम से, इसमें जाके आप वहां पे गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून कर दो, गुड नाइट कर दो, कुछ भी कर दो और कमिट चेंजेस कर दो। कमिट चेंजेस जैसे ही आप कर दोगे तो आप अब वापिस आके जेनकिंस में देखना, ये अपने आप एक मिनट के बाद बिल्ड कर देगा अपने आप। क्यों? क्योंकि आपने चेंज किया है। उसके अगले एक मिनट के बाद देखना, कुछ बिल्ड नहीं करेगा। अगले मिनट देखना, कुछ नहीं। अगले 2-4 घंटे 10 घंटे बाद ये बिल्ड नहीं करेगा। लेकिन अब दोबारा जाके आप चेंज कर दो वहां पे 10 घंटे बाद 2 दिन बाद, तो ये दोबारा बिल्ड करेगा एक मिनट के बाद। यानी ये बिल्ड सिर्फ तब करेगा जब कुछ चेंजेस होंगे। तो इसे कैसे पता चलते हैं चेंजेस, क्योंकि ये जाता हर मिनट रहेगा लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको बिल्ड नहीं कराएगा। बिल्ड तब तक नहीं कराएगा जब तक चेंज नहीं हो रहा। अब इसको ये कैसे पता चलता है कि चेंज नहीं हो रहा, इसके पास अपनी एक फाइल होती है, यहां पर एक फाइल है, ये दोनों को कंपेयर करता है, इन दोनों के अंदर कोई चेंजेस अगर नजर आते हैं तो ही ये उसको बिल्ड करता है, नहीं तो नहीं करता, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब इसको हम लैब में समझ लेते हैं, देखते हैं कि हमारी जो शेड्यूल प्रोजेक्ट होते हैं जो हर एक टाइम के बाद फिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो शेड्यूल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, तो दोबारा से आप यहाँ पे जेनकिंस में ही हैं हम, यहाँ पे सपोज करें ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ना अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें कन्फिगर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आप थोड़ा नीचे आ जाओ, देखो यहां पे ना आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है बिल्ड ट्रिगर के अंदर, बिल्ड पीरियोडिकली। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, आप यहां पे इस क्वेश्चन मार्क को क्लिक कर लो, तो ये कह रहा है प्रोवाइड अ क्रोन लाइक फीचर टू पीरियोडिकली एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। अब आप मुझे बताओ ये क्रोन लाइक फीचर हमने कहां यूज किया था, जल्दी बताएं। गिट में किया था, शेफ में किया था, एंसिबल में किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो क्रोन लाइक फीचर हम यूज कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। तो ये फीचर हम यहां यूज करना चाहते हैं, तो हम यहां पे क्लिक कर देते हैं। और अब शेड्यूल लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सितारे बनाने हैं, आप शिफ्ट करें, शिफ्ट करके सितारा 8 नंबर पे होगा आपका, स्पेस दें फिर एक सितारा लगा दें, स्पेस दें फिर एक सितारा लगा दें, स्पेस दें फिर एक सितारा लगा दें, और एक और लगा देते हैं, चलो स्पेस दें एक और लगा दें। इन सितारों के मतलब क्या है नहीं समझ आ रहे, आप यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो। ये क्या कह रहा है, पहला सितारा बताएगा मिनट विद इन एन आवर यानी हर मिनट, दूसरा सितारा बता रहा है हर घंटे, तीसरा सितारा बता रहा है हर दिन, चौथा सितारा बता रहा है हर महीने, और पांचवा बता रहा है हर हफ्ते। तो 5 सितारे मैंने लगा दिए, यानी हर महीने के, हर दिन में, हर घंटे में, हर मिनट में आपको इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, यानी इस काम को करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें हमने चेंजेस करने हैं, सपोज करें हमने 4 मिनट के बाद करना है, 5 मिनट के बाद करना है, वो आप कर सकते हैं। देखिए सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है कि वो 4 मिनट के बाद करना है, तो आप उसके आगे 4 लगा दें, आप उसके आगे 3 लगा दें, 2 लगा दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, आवर के लिए आपने क्या करना है,
आपने जैसे यहाँ पे 07 है, 022 है, ये सॉरी 22 है, 37 है ना, एवरी 15 मिनट्स। तो कैसे होगा एवरी 15 मिनट्स, आप एच फॉरवर्ड स्लैश 15 लिख दें, है ना, घंटे के आप कर दें मतलब। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। टाइम जोन स्पेसिफिक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यूरोप और लंदन, सारी चीज़ें यहाँ इजीली मेंशन है। यानी ऐसा नहीं है आपने कोई रट के रखना है, सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब आपने भैया ये बिल्ड प्रोलिटिकली कर दिया, अब इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दें, सेव पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें जैसे ही एक मिनट पूरा होगा ना, अपने आप ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये 2 अप्रैल की तारीख दिखा रहा है, अब देखना ये अपने आप यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा दोबारा से, अभी आप देखते जाना एक मिनट के बाद। ये देखें आ गया जी, नया बिल्ड आ गया आपका। अब देखें ये 2021 पे आया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट एक मिनट बाद, एग्जैक्ट एक मिनट बाद ये दोबारा पीरियोडिकली बिल्ड होगा। ये देखें जी एग्जैक्ट एक मिनट बाद ये दोबारा से बिल्ड हो गया, यानी अब ये हर मिनट के बाद ये अपने आप पीरियोडिकली बिल्ड होता रहेगा, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अब हम कहते हैं यार ये हर बार बिल्ड हो रहा है, ये भी कोई फायदे वाली बात नहीं, क्योंकि जब तक हमने चेंज नहीं किया तो बार बार हर मिनट क्यों कर रहा है। होना ऐसा चाहिए कि जब कोई चेंज हो तब ये उसको बिल्ड करे, अदरवाइज ये बार बार रिपीटेशन ही तो कर रहा है, क्योंकि हमने कोई चेंज तो किया नहीं है फिर भी ये बिल्ड किए जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आते हैं, कन्फिगर में आते हैं। तो फिलहाल हम इसको जो है, जो हमने ये बिल्ड किया है इसको हटा देते हैं, अभी हम पीरियोडिकली नहीं करते, अब इसको हटा देते हैं। हमने समझ लिया है कि बिल्ड पीरियोडिकली कैसे होता है, तो सेव कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सोर्स कोड पोलिंग क्या होती है। तो सोर्स कोड पोलिंग का मतलब क्या है कि जब आप कोई चेंजेस करेंगे अपने कोड में, सिर्फ तभी ये बिल्ड करेगा, अदरवाइज ये बिल्ड नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये पीरियोडिकली अपने आप किए जा रहा है हर मिनट में, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, हम यहाँ पे अपने मैवन प्रोजेक्ट में ही आते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इस बार पोल SCM, ये वाला ऑप्शन, और यहाँ शेड्यूल में 5 सितारे बना दें। तो मैं शिफ्ट करके 1 सितारा स्पेस देके फिर 1 और स्टार स्पेस देके फिर 1 और स्टार स्पेस देके फिर 1 और स्टार स्पेस देके फिर 1 और स्टार, ठीक है। तो शिफ्ट और 8 नंबर का जो आपका बटन है, आप शिफ्ट करके जब 8 नंबर दबाएंगे तो स्टार अपने आप आ जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दिया मैंने, और स्पेस दे दे के आपको ये 5 सितारे बनाने, क्यों बना रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्यों बनाए हैं। इसे करने के बाद आप इसे सेव कर दें। अब हमने इसे सेव कर दिया, अब इसे सेव करने के बाद एक काम करते हैं, जो हमारी रिपो है इस रेपो के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम वापस अपनी रेपो में आते हैं, इन फाइल्स पे आते हैं। यहाँ एक फाइल है रीडमी, इस रीडमी को ओपन करें। तो यहाँ देखें, यहाँ पे ना इसको आप एडिट करें, एडिट करके यहाँ पे कर दें आप गुड नाइट कर दें आप, इसमें कोई भी चेंजेस कर दें, मतलब जैसे चेंजेस होंगे और कमिट होगा अपने आप वो उसको एक मिनट बाद बिल्ड कर देगा। तो मैं यहाँ कमिट चेंजेस करता हूँ, तो मैंने कमिट कर दिया है। अब प्रोजेक्ट पे चलते हैं, अब देखते हैं बिल्ड होता है कि नहीं होता है। एक मिनट बाद ये बिल्ड होना चाहिए अपने आप, ये देखें ये बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, पेंडिंग इन द क्वाइट पीरियड एक्सपायर इन, तो ये आ रहा है फिनिश वेटिंग। तो देखें अपने आप ये बिल्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने कोई फाइल के अंदर चेंज किया है, ठीक है, तो इसीलिए ये अपने आप बिल्ड होने लगा। ये बात आपको समझ आ रही है, तो ये अपने आप बिल्ड हो रहा है, तो ये बिल्ड हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी फेल्ड ही हुआ है हमारा, इसमें अगर हम जाएं और देखें कि भाई क्यों फेल्ड हुआ है, तो ये कहता है कि भैया कुछ मसला है, गिट टूल इज नन। ओके ओके, गिट टूल को नन बता रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, गिट तो हमारे में इंस्टॉल्ड है। द रिकमेंड गिट टूल इज नन, ओके, मैं ना, मेरे को लगता है ये मसला जो है ये जेनकिंस के अंदर हमारे कोई API मिसिंग है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो चलें कोई बात नहीं, बट मतलब आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वो अपने आप उठा लेगा, ठीक है। देखिए मेरा मसला, मेरा जो मेन एम है ना वो कॉन्सेप्ट समझाना है। एरर आ रहा है तो एरर आता रहे, वो आप उसको ठीक करें, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से काम एग्जीक्यूट होना है, एरर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पोल SCM आपको समझ आ गया, अब ये दोबारा नहीं करेगा, जब भी आप चेंजेस करेंगे तभी ये उस काम को करेगा। देखें अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना माई मेवन प्रोजेक्ट पे, तो ये अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा एक मिनट के बाद, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने चेंज जब किया था तभी इसने बिल्ड कर दिया था नेक्स्ट एक मिनट के बाद, अब नहीं करेगा ये। आई होप फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि
पीरियोडिकली बिल्ड करना है तो कैसे करना है, सोर्स कोड जो हमारा है उसे पोलिंग करनी है, SCM करना है तो हमने कैसे करना है। तो ये सारी बुनियादी बातें जो थी, छोटी छोटी बातें जो थी वो आपको समझ आ गई हैं। अगर आपको गिट पे से चीज़ों को लेके आना है तो कैसे लेके आना है, रिपोजिटरी पे से, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी हैं और माइट बी पॉसिबल कि आपकी मशीन के ऊपर कोई भी एरर ना आए, क्योंकि मेरी मशीन में मसला ज़रूर हो रहा है, क्योंकि मेरी भी मशीन अभी प्रॉपर परफेक्ट नहीं है। ये मेरी नई मशीन है जिस पे मैं ये करके दिखा रहा हूँ, तो माइट बी पॉसिबल कुछ मेरे यहाँ भी मिसिंग हो, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि इसका सॉल्यूशन आप लेकर आएँ, क्योंकि मैं भी ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं नहीं हो पा रही हैं, ठीक है और भी काम होते हैं, मसले होते हैं। तो ये है कि ठीक है आप लोग कोशिश करें, और अगर आपकी मशीन पे सक्सेसफुली ये कोड रन कर रहे हैं, मेरी रेपो के जितने कोड हैं आप फोर्क करके कॉपी कर लीजिएगा, आपको यही पाथ पे जाना है जो मैंने आपको बताया था, इतना पाथ आप जैसे लिखेंगे ना तो आप पहुंच जाएंगे। तो आप कॉपी कर लें उसको फोर्क करके, फोर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा आपकी मशीन पे, और आप खुद से ये सारी लैब करके देखें जो मैंने करी है। और अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ बताएं, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि भाई आपका भी ये एरर आ रहा है या मेरा ही आ रहा है मेरी इस नई मशीन पे, क्योंकि पहले नहीं आता था अब ये मसला हो रहा है। तो ज़रूर आप मुझे बताएं, मैं वेट करूँगा आपका। और चले आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं कराते, आज इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं इससे आगे के लेक्चर के साथ जिसमें इससे आगे डिटेल में बात करेंगे और फिर प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको आज की लैब भी समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई मसला है तो मैंने आपको पहले भी बोला है, फेसबुक ग्रुप टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन करने के लिए दो क्वेश्चनों के जवाब वहां आपको देने पड़ेंगे। एक आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का आईडी वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको हमारा कोई भी वीडियो जो आपको पसंद है फेसबुक पे आपके खुद के फेसबुक अकाउंट पे शेयर करना पड़ेगा, और उसका भी जो लिंक है वो आपको वहां पे उस सवाल के जवाब में पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप हमारे ग्रुप मेंबर बन सकते हैं। ये क्यों करवा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं, लिंक्डइन आईडी इसलिए करवा रहे हैं ताकि फेक आईडी से वो ग्रुप बचा रहे, ठीक है? आजकल फेक लोग हर जगह आ गए हैं, ठीक है? और दूसरा फेसबुक पे हम आपसे क्यों शेयर करवा रहे हैं? ताकि आप हमारी थोड़ी सी मदद कर सकें, ठीक है? आप बड़े आलसी हो, आप करना चाहते हो लेकिन आलस दिखाते, तो ग्रुप को ज्वाइन करने के बहाने आप शेयर कर देंगे। चलें आप कहेंगे अच्छा तरीका है ये भी, चलें अच्छी बात है। बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं, और शेर कुछ यूं है, ये दुनिया है यहां पर ये तमाशा भी हो सकता है, ये दुनिया है यहां पर ये तमाशा भी हो सकता है, आज जो गम हमारा है तुम्हारा भी हो सकता है। एक शेर ये याद आता है कि उस वक्त का हिसाब क्या दूं, उस वक्त का हिसाब क्या दूं जो तेरे बगैर कट गया। चलें अच्छी बात है, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।